जिस गांव में माँ बहनों का अत्याचार जुल्म होता है और गांव का मुखिया होता है और बहुत अत्याचार करता है, वो थाना जाता है, पुलिस जाता है, बहुत जगह जाता है, गला बैठा हुआ तो बहुत जुल्म अत्याचार होता है। उन लोग गांव वाले जाते हैं, थाना जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, उनका कोई मदद नहीं मिलता है। तो मैं इसमें इंस्पेक्टर का रोल करता हूँ, जिसमें मेरा नाम है परदेसी दरबार, मेरा नाम आता है। और किस तरह की भूमिका है आपकी इसमें, क्या क्या करते हुए नजर आएंगे परदेसी दरोगा में आप? मैं एक गांव के लोगों के मैं मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ कि वो लोग बहुत बेबस में रहता है, उन लोग को फिर मैं गांव वाले के पास हेल्प करता हूँ, फिर वो लोग हमें मदद करता है। दिन दिहाड़े गाँव में रेप होता है, अत्याचार होता है, माँ बहन चल नहीं सकता है, तो गाँव वाले बहुत परेशान रहते हैं। और महिलाओं की कहानी बन रहा है, अच्छा है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस देश के हिंदुस्तान की माँ बहन एक फिल्म देखे, जिस फिल्म की नाम है परदेसी दरोगा। कब तक इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई है? इसकी शूटिंग हम करने जा रहे हैं 15 मार्च से। दर्शक कब तक देख पाएंगे इसको? हम इसको दुर्गा पूजा में दर्शक देखेंगे। अच्छा, लोकेशन कहाँ कहाँ है इस फिल्म? इनका लोकेशन है स्टार्ट अपने सीतामढ़ी में। वेलकम। किस तरह का किरदार है आपका परदेसी दरोगा? इसमें मेरा किरदार है, मैं शहर की लड़की बताई हूँ, और मेरे अपोजिट हरीश जी हैं, और इस फिल्म के डायरेक्टर राजेश सर जी हैं। क्या इसमें किस तरह किरदार आपने बताया? किरदार तो मुंबई से जी, इसमें मेरा साइडर कैरेक्टर है, और मैं शहर से भी गांव आई हूँ, तो वहाँ पे कुछ फाइटिंग है, तो अभी आगे बताऊँगी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर जी के साथ अभी मैं फिल्म फर्स्ट कर रही हूँ, तो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ट्रेनिंग है, और काम करके अच्छा लगेगा, बाकी सब आगे देखेंगे। इससे पहले भी आप कुछ फिल्में कर चुकी हैं या नहीं? इसके पहले मैंने गुजराती फिल्म की है, और मैंने 4-5 फिल्में की है, और ये मेरी भोजपुरी सेकंड फिल्म है। इससे पहले कौन सी? इसके पहले मैंने किया है गैंग ऑफ शिवा, जिसमें साहिल खान है और डायरेक्टर राजू चौहान जी हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुंदन कुमार है। किस तरह किरदार है आपका परदेसी दरोगा? जी, मैं एक कॉलेज में पढ़ता हूँ, और पढ़ते पढ़ते मुझे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो लड़की का नाम सोनिया है, और वो सोनिया जी विधायक जी की बेटी रहते हैं, मुझे उनसे प्यार हो जाता है। और क्या बताएं, फिल्म बहुत अच्छी है, मतलब शूट होने जा रही है 15 मार्च से, और दिवाली में रिलीज होगी। रियल लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कॉलेज टाइम में, किसी विधायक जी की लड़की से प्यार? नहीं, रियल लाइफ में तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कुछ। फिल्मी किरदार में होगा? जी, मेरे फिल्मी किरदार में होगा पहली बार, ये मेरी फर्स्ट मूवी है भोजपुरी। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से काम करूँ मैं, इसमें बहुत अच्छी कहानी है इसकी। मैं गिरीश शर्मा, हम पहले दर्शक भाई लोगों के प्रणाम करतनी। परदेसी दरोगा के बारे में जैसा कि रोगा की पूछा तनी, परदेसी दरोगा बहुत बढ़िया फिल्म बा, हम एकर कहानी भी सुनने मानी, हमरा के डायरेक्टर साहब कहानी सुनौलन, बहुत बढ़िया लगल। ये फिल्म में हरीश पासवान जी, कुंदन कुमार जी अजय हीरो के भूमिका में है, हम गांव के विधायक बनी, यही हमारे क्रम में भूमिका बा। क्या दबंग विधायक हैं या बहुत सीधे साधे विधायक? नहीं, दबंग विधायक हूँ, जैसा कि अजय विलेन है इस कहानी का, परदेसी दरोगा का। अपने क्षेत्र की पब्लिक को बहुत परेशान करते हुए नजर आएंगे। कहानी देखिए, हम तो डायरेक्टर के एक्टर हैं, अब कहानी में जैसा जो हमको डायरेक्टर देगा, जैसा रोल मिलेगा, हम तो वैसा ही करेंगे। कितनी मेहनत की है इस किरदार को निभाने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत एक टफ चीज है? अब तो मैंने इतनी फिल्में कर ली है कि इस किरदार को निभाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तब तो एक है कि स्क्रिप्ट को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसमें तो दो मत नहीं है। तो काफ़ी मैंने देखा, पढ़ा, मुझे कहानी सुनाई गई, बहुत अच्छा लगा। प्लस हमने लोकेशंस भी लोग सीतामढ़ी में रखने जा रहे हैं, जैसा कि तो बहुत बढ़िया लोकेशंस है, लोकेशंस का इन्होंने फोटोग्राफ भी दिखाया। तो बिहार में जो खूबसूरती है सीतामढ़ी, उसकी भी खूबसूरती आप परदेसी दरोगा में आप लोग देखेंगे। बात करें विधायक की,
बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसको किस तरह से आप पढ़ते पे किसी विधायक के नहीं, हमारा इसमें निगेटिव कैरेक्टर है, हम गांव के लोगों को लूटता हूं, कहानी में यही है। बाद में जो हीरो आता है उसको गांव के लोगों को समझाता है कि ये विधायक करप्ट है, तो इस ढंग से कहानी में है, तो हम उस कहानी के किरदार को निभा रहे हैं। आने वाली अभी हमारी फिल्म बिहारी टाइगर लगी हुई है, अभी ये परदेसी दरोगा आ रही है, थैलेबा भूत आ रही है, बाजे शहनाई मोर अंगना आ रही है। ये परदेसी दरोगा जो है वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात ये कि ये मेरे लिए चैलेंज है। चैलेंज इस तरह से है कि इस फिल्म के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा है जो शायद देख पाएंगे मेरी मूवी में। कहना ये है कि ये एक सरबरपुर गांव की एक कहानी है। उस गांव में एक लड़की रहती है, उसके पिता की हत्या हो चुकी होती है, जो गांव के विधायक करा देते हैं। गांव के विधायक जो है वो बहुत ही दबंग है, बहुत दबंग, और उनका एक बेटा है आदित्य, जो जब भी चाहे कुछ भी कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और उस गाँव के जितने भी लोग हैं उन लोग से काफ़ी डरते भी हैं। उसी दरमियान एक गांव की एक सीधी साधी लड़की जिसके बाप का हत्या हो चुका है, वो सब्जी की दुकान चलाकर अपनी माँ जो है उनके साथ वो गुजर बसर करती है, उसकी नज़र भी उसके विधायक के बेटे का पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले यूँ होता है कि ये जो अभी मेरे जो सेंटर की जो हीरोइन है आदिति सिंह, वो उसकी वहाँ पे एंट्री ऐसे होती है कि वो गांव की लड़की है शीता, वो एक दिन कॉल कर रही होती है, कॉल के दरमियान उसका मिस्ड आता है और वो सीधा मुंबई की एक लड़की जो अदिति सिंह है सेंटर में उसके पास लग जाता है। वो कॉल जैसे ही रिसीव करना चाहती है तब तक वो कॉल कट जाता है, इसलिए कि उसे वो अपने कार में देखती है तो देखती है कि मतलब गलत नंबर लग गया है, वो काट देती है। काटने के बाद वो तुरंत वो कहीं और जहाँ करना रहता है आती है, फिर तब तक इसका फिर से कॉल बैक जाता है यहाँ मुंबई की लड़की को, फिर हाय हेलो होता है, जान पर आती है आप इतनी भाग दौड़ के जिंदगी से उब जाती हैं तो मेरे यहाँ आकर गांव में कुछ समय बिताइए। वो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो मंजूर कर लेती है और वो गांव की तरफ निकलती है। गांव की लड़की बहुत खुश होती है कि मेरी ये बहुत ही एक अनजान सहेली जो दोस्त बनी है मेरे गांव में आ रही है मुंबई से। वो उसकी तैयारी करने के लिए जैसे ही निकलती है उसकी नज़र मार्केट में पड़ता है आदित्य का, जो विधायक का बेटा है। वो उसको देख करके बहुत ये हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है और उसको उठाकर मतलब सबसे पहले वो उसको किडनैप करता है और किडनैप करके उसको कहीं ले जाता है। मैं उसको इंटरकट में ऐसा दिखा रहा हूँ कि यहाँ से शहर की लड़की गांव की तरफ निकली, वो वैसे ही उसका वहाँ किडनैप होता है। शहर की लड़की जैसे ही ट्रेन पर बैठती है उसका बलात्कार होता है, ये ट्रेन के स्पीड के हिसाब से उनका रेप होता है, और जैसे ही एक हॉर्न एक जगह आता है ट्रेन के हॉर्न, वैसे ही उसका मर्डर होता है। मर्डर करने के बाद उन लोगों ने उसके मोबाइल को भी तोड़कर वहाँ से पैर से दबाकर तोड़ देता है बिलेन लोग। ये वहाँ उतर कर शहर की लड़की, और जब कॉल लगाती है तो कॉल लगता नहीं है, नहीं लगने के बाद वो क्या करती है, बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उसको गांव का पता था, वो किसी से पूछकर वो गाँव तक जैसे ही जाने लगती है तब तक उसकी फिर से नज़र पड़ती है। उन लोग बिल्कुल शराब के नशे में धुत कहीं बैठ कर अपने गुर्गे के साथ बैठे हुए हैं, तब तक ये लड़की का पासिंग जाता है वहाँ से। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ता है उन लोग की नज़र, वो लोग टूट पड़ते हैं इन लोग के इस लड़की के ऊपर, शहर की लड़की के ऊपर, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल वेस्टर्न में जाती है वहाँ पे बिल्कुल नोकझोंक होता है। तब तक यहाँ पे नोकझोंक के दौरान ही ये हीरो की इंट्रो वहाँ पे जाएगा। हीरो जो है ऑलरेडी इंस्पेक्टर रहता है, लेकिन उस वक्त वो सिविल में है, वो दोनों को फाइट होती है, दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। ये जितने भी गुड़गे लोग हैं वो लोग भाग चलते हैं। अब उनका जो सामान बिखर जाता है, सामान उठाने के दौरान हीरो और हीरोइन का हाथ टच करता है, दोनों में आई कांटेक्ट होता है, एक ट्रांस में सॉन्ग जाएगा। सॉन्ग किसने गाए हैं इस फिल्म के अंदर? जो सिंगर है हमारे पास वो अनुज तिवारी है, प्रियंका सिंह है और इंदु सोनाली। अच्छा, इसकी लोकेशन, इनकी
हम लोग ऑन द लोकेशन हो जाएंगे 15 मार्च को और कैमरा ऑन हो मे भी 15 मार्च को नहीं हो पाए लेकिन 16 मार्च को फाइनल है और ये सीतामढ़ी का पूरा लोकेशन रहेगा। पूरे कलाकार की अगर बात करें तो जहाँ तक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मार्केट से कौन कौन से लोग हैं, ठीक है ना, मार्केट से हमारे बिलेन साहब जो अभी हैं वो गिरीश शर्मा जी हैं, अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी सब और हाँ इनके बारे में जो हरीश जी हैं वो 2-3 मूवी काम कर चुके हैं किसी के पास इधर, लेकिन और ये जो ब्यूटी वर्मा है ये भी काम कर चुकी है, जहाँ तक अदिति की बात है ये गुजराती मूवी की एक्ट्रेस है और ये डेब्यू कर रही है भोजपुरी के अंदर।